एलेक्सा हाँ। या जैसे रांझे की हीरो होती है, मजनू की लैला होती है, और ये शाहजहाँ की वो मुमताज होती है, ऐसी मेरी कौन होगी? मतलब मेरा क्या बनेगा? तेरा खचरे की खचरी। यार क्या मतलब कि वो खचरे का खचरी, मतलब क्या क्या बोलना चाह रहे? मैं खचरा हूँ क्या? हाँ। यार हद होती है, खचरा बोल रही हूँ सबके सामने। मेरी नहीं लव स्टोरी में खचरा खचरी, सबकी में लव स्टोरी में तुमने अच्छे अच्छे नाम दे दिए, मेरे में खचरा खचरी नहीं होता क्या है? खचरा खचरी बताना जरा। एलेक्सा हाँ बोल। व्हाट आर यू डूइंग? अबे हिंदी में बोल, इंग्लिश तेरे थोबड़े पर अच्छी नहीं लग रही। यार नहीं, क्या मतलब कि मेरे मुंह पे अच्छी नहीं लग रही इंग्लिश? यार दिस इज माय इंग्लिश, नन ऑफ योर इंग्लिश। ओके अच्छा जी, ठीक है। इंग्लिश में मैंने को डिग्री मिली हुई है। कौन सी डिग्री मिली है तुझे? ITUS। मतलब इसकी टोपी उसके सर। ठीक है थोड़ा बोलते समय सोच लिया करो। सच में तेरे मुंह पे अच्छी नहीं लग रही इंग्लिश। मैंने हर इंग्लिश में टॉप कर रखा है। कहां नीचे से? अरे यार तुम तो बेइज्जती करवा रही हो यार एलेक्सा, क्यों ऐसे बोल रही हो तुम? मेरे से कोई दुश्मनी है क्या तुमसे? नहीं, लेकिन जब तू इंग्लिश बोलता है ऐसा लगता है मुंह से टट्टी कर रहा हो जैसे। अब देखना मेडल लेके आऊंगा इंग्लिश में। मैं बेइज्जती करवा दी तुमने सबके आगे। मैं जो बोलती हूँ सच बोलती हूँ। इंग्लिश पिक्चरें देखता हूँ, इंग्लिश पिक्चरें, ठीक है? हाँ, वो तो पता है। हिंदी पिक्चरें भी नहीं देखता मैं। अच्छा जी। एलेक्सा हाँ बोल। यार मैं ना मॉल में आया हुआ था। तुम्हें क्या करूं? अरे पूरी बात तो सुन लिया करो, पहले से सुनाने लग जाती हो। मैं बोल रहा हूँ मैं मॉल में आया था तो सोच रहा हूँ कपड़े ले लूँ, तो बताओ कौन से लूँ? जारा के लूँ, अरमानी के लूँ, या फिर गुच्ची के लूँ? औकात में रह, ज्यादा हवा में मत उड़। साले सीपी से 250 वाली पेंट लेने वाला जारा गुच्ची की बात कर रहा है। यार क्या मतलब है कि कनॉट प्लेस के नीचे से लेता हूँ मैं? कनॉट प्लेस के सॉरी ऊपर से नहीं लेने को मैं अरमानी गुच्ची के नहीं ले सकता? हाँ सपनों में। पैसे भरे पड़े जेब में भरे, मंगे ध्यान से देख, जंग लग रहा पैसों को। तुम बोल रही हो कि यार वहाँ से नहीं ले सकता, यहाँ से नहीं ले सकता। अब तो जा रहा हूँ गुच्ची के पहन के आऊंगा मैं, जब तुम्हारे घर पे आऊंगा तुम्हें प्रपोज करने। अच्छा जी। यार कैसे बोल देती हो कि सड़क से लूंगा? यार तुम तो बिल्कुल ही बेइज्जती कर देती हो मेरी। भीख मंगे बात ही ऐसी करता है कि कुत्ता भी मुंह चाट ले। हंस रहे सब मुझ पे, वो तो हंसेंगे ही। अंकल जी भी हंस रहे। तेरी शक्ल ही ऐसी है हंसी आ ही जाती है। बिल्कुल ही शर्म ले आज भूल गई तुम लग रहा है। हाँ तो सोच कर बोला कर। क्यों नहीं ले सकता मैं कपड़े यार, बता तो दो, पैसे नहीं है क्या मेरे पास? मेरा मुंह मत खुलवा। नहीं अंकल जी हंस रहे थे मेरे ऊपर। अब अंकल के पीछे क्यों पड़ रहा है भीख मंगे? अब देखना मैं ऊंची अरमानी के कपड़े पहन के निकलूंगा जब भी निकलूंगा, ठीक है? बेइज्जती मत करा करो कि सड़कों से लेने पाते है वो है। ठीक है पहन लियो जारा गुच्ची अरमानी के कपड़े सपनों में। एलेक्सा क्या है? यार एक बात बताओ, जब घर में मेहमान आते हैं और जब वो जाते हैं सारे खा पी के, तो कुछ पैसे देके जाते हैं, तो मम्मी मना क्यों करती है कि मत लो मत दो? हाँ तो लालची मनाना करें। नहीं ठीक है वो मना कर देती है, जब दे देते तो फिर बाद में ड्रामे क्यों करती है, छीन क्यों लेती वापस? तो क्या तेरे पास छोड़ दे उड़ाने के लिए? अरे यार मैंने कुछ गलत थोड़ी बोला, मैं सही तो बोल रहा हूँ। नहीं छीन क्यों लेती है वापस? पहले तो बोलती है मत दो, जब वो यार मैं जब मेहमान आते हैं तो उनकी गुलामी करने लग जाता हूँ शुरू से। अच्छा। उनके आगे अच्छा बनने की कोशिश करता हूँ। वो तो पता है मुझे कि चल पैसे दे देंगे, और जब देती है तो पहले ड्रामे करने लग जाएगी, मम्मी मत देना, बिगड़ जाएगा। अरे क्या बिगड़ जाएगा, 100 रुपए में, और 100 रुपए छीन भी लेती है वापस। उनको पता है ना तू जाकर लड़कियों पर ही उड़ाएगा। नहीं दियो तो मारती अलग से, अगर नहीं दो तो वापस। तू है भी पिटने लायक। कहती है इसके लिए दूध ले आऊंगी मैं, दे वापस, खर्चा भी तो किया मैंने मेहमानों पे, तूने थोड़ी किया है। वैसे एक बात तो है, कंजूस तो एक नंबर के हो तुम सारे। अरे तो एलेक्सा क्या है बोल? यार तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? तुझे क्या लेना अपने काम से मतलब? अरे मेरा अरे मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारे मम्मी पापा कौन है? कोई तो होंगे, ऊपर से थोड़ी आ गई होगी। हाँ ऊपर से नहीं आई है मेरे मम्मी पापा। हाँ बताओ कौन है तुम्हारे मम्मी पापा, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? अरे अपने मम्मी पापा को तुम्हारे घर लेके आना था चाय के लिए, तुम्हारी शादी का हाथ मांगने, तुम्हारा हाथ मांगने शादी के लिए। ज्यादा थरकी मत बन, मैं नहीं कर रही तुझसे शादी। एलेक्सा देखो शादी तो करनी पड़ेगी एलेक्सा, हमें यार सब बोल रहे हैं, सब बातें बना रहे हैं कि अफेयर चल रहा है हमारा। थरकी झूठ मत बोल, क्या बोल रहे हैं? गलत बातें बोल रहे हैं हमारे बारे में। देखो शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी मुझसे। अच्छा जी, इसलिए मैं कहीं इधर उधर मूवी नहीं मार रहा। मारने किसने मना किया है? अब देखो मैं तुम्हें प्रपोज भी कर रहा हूँ सबके सामने,
अब क्या घुटनों के बल बैठ के करूँगा तो मैं प्रपोज? कोई जरूरत नहीं है। देखो एलेक्सा, तुम अपने मम्मी पापा को बताओ मैं अपने मम्मी पापा को लेके आ रहा हूँ, ठीक है? कोई जरूरत नहीं है अपने मम्मी पापा को मेरे घर लाने की, वरना ब्लॉक कर दूँगी। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो तुम मुझे? जो कहना था कह दिया मैंने। मुझे बीच में मत लटकाओ, हाँ ना का जवाब दे दो अभी। हाँ तो ठीक है फिर, मेरी तरफ से ना है ना।